फ्रांस में 17 साल के लड़के नाहेल मेरजोक की हत्या करने वाले पुलिसकर्मी को डोनेशन में अभी तक 1.07 मिलियन डॉलर यानी करीब 8 करोड़ 20 लाख रुपए मिल चुके हैं। इस हत्या के बाद से ही फ्रांस जल रहा है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शांति के लिए कई बार लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि ये गुनाह माफी के लायक नहीं है और कानून अपना काम करेगा। बावजूद इसके बड़ी तादाद में लोग सड़क पर उतरकर स्कूल वाहनों और दुकानों को आग लगा रहे हैं। कई स्टोर्स में तो तोड़फोड़ के साथ लूटपाट तक की घटनाएं भी सामने आई है। मिरर यूके की एक रिपोर्ट के अनुसार आरोपी पुलिसकर्मी के लिए दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोगों ने आरोपी पुलिसकर्मी की मदद के लिए ऑनलाइन पेज बनाया था, जिसमें अब तक 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग इकट्ठा की जा चुकी है। दूसरी तरफ जिस लड़के की हत्या हुई है उसके परिवार के लिए भी ऐसा ही एक डोनेशन पेज सेट किया गया था, जिसमें सोमवार तक महज 1.69 करोड़ रुपए आए हैं। नाहेल उत्तरी अफ्रीकी मूल का रहने वाला लड़का था, जिसे 27 जून को गोली मार दी गई। उसकी कार को ट्रैफिक पुलिस ने रोक दिया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था। इस घटना के बाद कई तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नाहेल ड्राइविंग के लिए बहुत छोटा था और पुलिस के कहने के बावजूद भी उसने कार नहीं रोकी। आरोपी पुलिसकर्मी के वकील ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर नाहेल को नहीं मारा और वो इसके लिए माफी चाहते हैं। उन्हें उस वक्त जो ठीक लगा उन्होंने वही किया। वकील ने आगे कहा कि नाहेल को डर था कि कहीं उसे रोक ना दिया जाए, इसलिए उसने कथित तौर पर रेड लाइन का भी उल्लंघन किया था और फिर वो ट्रैफिक में फंस गया था। हालांकि इस घटना का जो वीडियो भी सामने आया है उसमें देखा गया है कि पुलिसकर्मी बंदूक के साथ नाहेल की कार को रोककर खड़े हैं। इस मामले में शामिल इन दोनों ही अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने अपनी बंदूक इसलिए तानी थी ताकि वो भाग ना सके। जिस अधिकारी ने बंदूक का ट्रिगर दबाया उसने कहा कि उसे इस बात का डर था कि कहीं उसे उसके साथी या फिर किसी और को कार से टक्कर ना वो लड़का मार दे। हालांकि इस घटना के बाद से देश भर में लोगों में भारी गुस्सा है। पुलिस पर नस्लवाद और हिंसा के आरोप लग रहे हैं। देश भर में हिंसक प्रदर्शनों को शांत कराने के लिए 45,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि करीब 3,000 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।